टेस्ला ये नाम सुनकर सबको याद आती है टेक्नोलॉजी, लग्जरी से भरी फ्यूचरिस्टिक कार, एलॉन मस्क उनके फ्यूचरिस्टिक आइडियाज। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है इन दी इंफॉर्मेटिव कन्वे। तो आज हम बात करने वाले हैं टेस्ला, उनका फ्यूचर और उनके चैलेंजेस इन इंडिया। टेस्ला कैलिफोर्निया USA बेस्ड क्लीन एनर्जी कंपनी है जो कि 2003 में फाउंड की गई थी। अभी टेस्ला के CEO एलॉन मस्क है जो कि 2008 से इस पद को संभाल रहे हैं। आज टेस्ला अपनी प्लग इन इलेक्ट्रिक कार और उनके ऑटो पायलट के लिए जाना जाता है। टेस्ला की मॉडल 3 वर्ल्ड ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग प्लग इन इलेक्ट्रिक कार है जिसके 2020 तक 800,000 से भी ज़्यादा यूनिट डिलीवर किए जा चुके हैं। जैसे टेस्ला ने अपनी कारों को यूनिक बनाया है, वैसे ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिक तरीके से करता है। इसमें सबसे बड़ा रोल है कि गीगा प्रेस का। टेस्ला कुछ सालों से कास्टिंग टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है अपने व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। टेस्ला अपने इस गीगा प्रेस में मॉडल वाई की रियर यूनि बॉडी बना रहा है जिसे पहले बनने के लिए 70 से भी ज़्यादा पार्ट्स लगते थे। ये सब पॉसिबल हुआ टेस्ला की गीगा प्रेस की वजह से जो कि इटली की आइड्रा ग्रुप ने बनाई है। इस मशीन की क्लैंपिंग फोर्स 55,000 to 61,000 किलोन्यूटन है। इस प्रेस की वजह से टेस्ला का प्रोडक्शन ईजी हो गया है। टेस्ला गीगा प्रेस 300 रोबोट्स का काम अकेले करती है। इस खूबी की वजह से टेस्ला अपने सभी फैक्ट्रीज में इसे डिप्लॉय करने की सोच रहा है। एलॉन मस्क और उनकी टीम दूसरी इंडस्ट्रीज में एक्सपांड करने के लिए काम कर रही है, जैसे फुल ऑटोनोमस ड्राइविंग, EV पावर ट्रेन एंड सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम सप्लायर। इससे टेस्ला अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करेगी। टेस्ला स्मार्ट होम में भी काम कर रही है जिससे वो सुपर इफिशियंट होम बनाएगी जो मोस्टली सोलार पावर्ड होंगे। इंडिया आज के समय कारों पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में शामिल है। यहाँ व्हीकल पे लगने वाला टैक्स 50% तक चला जाता है। यही टैक्स इंपोर्ट होने वाले व्हीकल्स पे 100% तक चला जाता है। इसके अलावा इंडिया में सेल होने वाली कारों में 2% से भी कम कारें इलेक्ट्रिक है। इससे हमें समझ सकते हैं कि इंडिया एक फॉसिल फ्यूल बेस्ड मार्केट है। यही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लगने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में अभी कमी है। अगर टेस्ला को इंडिया में सक्सेसफुल होना है तो ये मेजर चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि टेस्ला जल्दी ही अपनी कारें इंडियन मार्केट में लाएगी।